चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताजा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। एक आता है सेक्शन 35AD, ये थोड़ा सा हमने डिस्कस करा था उसे लास्ट क्लास में। एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से आप आसानी से पहचान सकते हो, है ना। एक्चुअल में इसका नाम एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, ये तो सेक्शन का नाम एडी ही है ना। तो एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन इसके एक्रोनिम बन सकता है। तो एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि आप जितना भी पैसा खर्च करोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगेन लैंड और बिल्डिंग, उसे लैंड और गुडविल एग्जम्प्ट है ना, वो यहाँ नहीं कवर है। एग्जम्प्ट का मतलब लैंड और गुडविल में एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मिलता नहीं है, गुडविल पे तो वैसे ही नहीं मिलता है ना। 1 अप्रैल 2021 के बाद से गुडविल पे डेप्रिसिएशन मिलना वैसे ही बंद हो गया, गुडविल इज नॉट अ डेप्रिसिएबल एसेट नाउ। तो गुडविल पे तो मिलता नहीं, और लैंड पे कभी भी नहीं मिलता था, है ना। डेप्रिसिएशन कभी मिलता ही नहीं था लैंड पे, आपको लैंड पे डेप्रिसिएशन कभी मिलता नहीं था। बहुत से लोग ये गलती करते हैं। मान लीजिए आपने ये एक बिल्डिंग खरीदी है, पूरी की पूरी एक बिल्डिंग खरीदी 70 लाख रुपए की। तो ये बिल्डिंग जब पूरी खरीदी तो लैंड भी तो इसके साथ ही आया जिस पर बिल्डिंग खड़ी है, है ना। यानी कि आपने 70 लाख रुपए में लैंड और बिल्डिंग दोनों की कॉस्ट दी है। तो ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो डेप्रिसिएशन लगाते हैं, पूरे 70 लाख पर डेप्रिसिएशन लगता है। क्या ये ठीक है ट्रीटमेंट? क्योंकि आपके पास जब रजिस्ट्री होती है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे करते हो, तो पूरे 70 लाख पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे करी है। कोर्ट रजिस्ट्री के टाइम पे लैंड की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अलग और बिल्डिंग की स्टैम्प ड्यूटी अलग लेता है? नहीं, वो पूरी बोलता है कितने में सौदा हुआ, 70 लाख में। सर्कल रेट कितना है? 70 लाख। यानी कि सर्कल रेट के हिसाब से आप पैसे ठीक दे रहे हो। तो आपके पास बिल्डिंग कैपिटलाइज होगी 70 लाख रुपए से, तो आप डेप्रिसिएशन कितने पे चार्ज करना शुरू कर देते हो? 70 लाख पे। जबकि ये ट्रीटमेंट गलत है। अगर इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट हुआ तो आपको लैंड की वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी और बिल्डिंग की वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी। लैंड अलग ट्रीट होना चाहिए और बिल्डिंग अलग ट्रीट होता है, और बिल्डिंग वाले पोर्शन पे आप डेप्रिसिएशन लोगे, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा आपको। तो अब तरीका क्या है कि कैसे पता लगेगा? तो आपको क्या होगा, वहाँ के सर्कल रेट के हिसाब से एरिया ऑफ द लैंड को अलग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है, जो उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर खड़ा करा है, उसकी कॉस्ट अलग निकालनी पड़ेगी। इस 70 लाख को 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, या जो कोई अप्रूव्ड वैल्यूअर रहते हैं उनसे निकलवानी पड़ेगी कि मेरी लैंड की वैल्यू बता दो कितनी है, ताकि लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलना बंद हो जाए और बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। आप मैक्सिमम केस में देखोगे 80% से ज़्यादा केस का अकाउंटिंग देखोगे तो 70 लाख पे डेप्रिसिएशन पूरा चार्ज हो रहा है, जबकि इसके अंदर 70 लाख के अंदर ये लैंड भी इन्वॉल्व है जिस पर बिल्डिंग का सुपर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। तो डेप्रिसिएशन तो लैंड पे कभी मिलता ही नहीं है, लेकिन ये अकाउंटिंग का ग्लिच है ना, ये अकाउंटिंग का ग्लिच है। कोई देख भी नहीं रहा, कोई पकड़ भी नहीं रहा, तो चले जा रहा काम। लेकिन अगर असेसिंग ऑफिसर ने पकड़ना शुरू कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत सारे लोगों के साथ। हटा दूं ये? तो सेक्शन 35AD क्या कहता है कि आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा एसेट के ऊपर, कैपिटल एसेट पे जितना भी पैसा खर्च करोगे उस पर सारा का खर्चा एक ही साल में क्लेम कर सकते हो। लेकिन आपको 14 तरह के स्पेशल बिजनेस में ही होना चाहिए, सब नहीं, 14 स्पेशल बिजनेस हैं। स्पेशल बिजनेस एक्टिविटी, इन्हीं बिजनेस एक्टिविटी में होगा तो मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। इसमें से कुछ के एग्जांपल क्या हैं, आप कोल्ड स्टोरेज चेन चलाते हो फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और कोल्ड स्टोरेज चेन चलाते हो फॉर शुगर केन प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए, या नॉर्मल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए कोई कोल्ड स्टोरेज चेन चला रहे हो, है ना। दूसरी चीज, आप स्लम रीडेवलपमेंट के बिजनेस में हो, आप स्लम रिहेबिलिटेशन के बिजनेस में हो, आप सेमी कंडक्टर बिजनेस में हो, आपका 3-star 2-star एंड अबो हॉस्पिटल होटल है, 100-bed एंड अबो हॉस्पिटल है, हनी बी कीपिंग के बिजनेस में हो, आप ऐसे कुछ 14 तरह के बिजनेस हैं। स्लरी क्रॉस कंट्री स्लरी पाइपलाइन बिछा रखा है फॉर ट्रांसफर ऑफ आयरन ओर के लिए, ऐसे 14 तरह के बिजनेस हैं। अगर आप इन 14 तरह के बिजनेस में हो तो आप अपनी इस कैपिटल एसेट के ऊपर जिस साल में जितना खर्चा करा उस साल में उतना 100% डेप्रिसिएशन ले सकते हो। अगर आप 100% डेप्रिसिएशन नहीं लेते हो तो फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन क्या है। मान लीजिए आपने 100 करोड़ रुपए कैपिटल एसेट में खर्च करे, इन 14 में से किसी भी एक स्पेशल इंस्टेंस में हो, इन्हें 35AD के बिजनेस बोलते हैं। इनको आपको याद रखना पड़ेगा, जब हम सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेज आएंगे तो मैं वहाँ पूछूंगा आपसे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेंगे। स्पेशल बिजनेस होते हैं 35AD वाले, इनके लिए वहाँ पे अलग ट्रीटमेंट है। तो 100 करोड़ रुपए की आपने कोई कैपिटल एसेट खरीदी, कोई एसेट्स खरीदी है,
आप कह रहे हो कि अब आपको इनकम टैक्स ऑप्शन दे रहा है, या तो आप इसके ऊपर 100% डेप्रिसिएशन ले लो इन द ईयर इट इज इनकर्ड, या दूसरा ऑप्शन क्या है फिर, अगर आप मतलब 100% में नहीं जाना चाहते हो, 35 AD को एक्सेस नहीं करना चाहते हो, तो क्या ऑप्शन बची है फिर आपके पास, क्या इन एसेट पे डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा? 100 करोड़ रुपए की फिक्स एसेट खरीदी है, आप 35 AD में जाना नहीं चाहते हो, आप कह रहे हो मुझे जरूरत नहीं है वहां 35 AD में जाने की, तो या फिर आप स्पेशल इनकम टैक्स के स्लैब ढूंढ रहे हो, आप अपनी इनकम को स्पेशल रेट से टैक्स कराना चाहते हो, जो 22% वाली टैक्सेबल इनकम है, 22% प्लस 10% 115 BAB वाला, आप वहाँ पे टैक्स देना चाहते हो, नॉर्मल से टैक्स नहीं देना चाहते हो, तो अगर आप वहाँ पे टैक्स देना चाहते हो तो 35 AD में आप जा ही नहीं सकते हो, ध्यान रखना। लेकिन आप नॉर्मल से टैक्स देना चाहते हो तो 35 AD लेना नहीं चाहते हो, तो क्या इस 100 करोड़ की एसेट पे मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? तो मुझे क्या डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं 35 AD का डेप्रिसिएशन लेना नहीं चाहता हूँ। हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चों, इसका मतलब हमने 32 सही से नहीं पढ़ा। सेक्शन 32 क्या था? मैंडेटरी था। अगर आप 35 AD क्या है? ऑप्शनल है, इट इज ऑप्शनल, ऑप्शनल। SSC हैज ऑप्शन टू चूज इट और लीव इट। लेकिन अगर मैंने इसे लीव कर दिया तो मुझे 32 का डेप्रिसिएशन तो लेना ही पड़ेगा ना, वो तो लेना ही पड़ेगा। 32 डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी, 35 AD इज ऑप्शनल, तो आपको ये लेना ही पड़ेगा 32। अगर यहाँ 35 AD में नहीं गए तो या तो आप पूरे PNL में 100 करोड़ रुपये डेबिट कर दो और WDV आपकी निल हो जाएगी, WDV आपकी निल आ जाएगी, या फिर इसमें नॉर्मल 32 वाला सेक्शन 32 वाला डेप्रिसिएशन ले लो। अगर 15 वाली 30 वाली जो भी आपकी प्लांटेड मशीनरी है तो वो वाला डेप्रिसिएशन ले लो और जो WDV आपके बुक्स में आगे चलती रहेगी। क्लियर है? 35 AD इज अ ऑप्शनल स्कीम, है ना, आपके मर्जी के ऊपर है, आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते, लेकिन 32 तो मैंडेटरी है, लेना ही पड़ेगा। अगर ये छोड़ के चले गए तो वहाँ जाना पड़ेगा। अब मान लो मैंने 35 AD ले लिया तो क्या मैं इन एसेट पे 32 भी ले सकता हूँ? अगले साल 32 ले सकता हूँ? हाँ, अगले साल 32 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ इन एसेट पे? इसी मशीन पे, जिस मशीन, ये वाली मशीन 1 थी, ये MA है, मशीन ए, इस मशीन ए पे मैंने इस साल 35 AD ले लिया, अगले साल से 32 AD लेना शुरू कर सकता हूँ डेप्रिसिएशन? नो सर, नहीं ले सकते, क्योंकि WDV जीरो है। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि WDV जीरो हो गई 35 AD की वजह से। 32 का डेप्रिसिएशन मिलता किस पे? WDV पे मिलता है। दैट WDV मस्ट एग्जिस्ट एज ऑन लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। वो WDV, उस एसेट की WDV मेरे एसेट, मेरे ब्लॉक में 31 मार्च के दिन होनी चाहिए। ये तो पिछले 31 मार्च को ही नील हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इनकम टैक्स कह रहा है कि मान लीजिए आपने ये 2023 में खरीदी थी एसेट और आपने इसे 35 AD भी क्लेम कर लिया, तभी तो हम यहाँ पे हैं, 35 AD तो आपने क्लेम कर ही लिया, तो क्या ये मशीन ए भी WDV बुक्स में कितनी रहेगी इसकी? निल। क्या ये एसेट भी निल हो गई? फिजिकल एसेट तो एग्जिस्ट करती है ना आपके पास, तो फिजिकल एसेट तो आपके पास एग्जिस्ट करती है, तो क्या कह रहा है कि आप इसे नेक्स्ट 8 ईयर में बेच नहीं सकते हो। नो ट्रांसफर फॉर नेक्स्ट 8 ईयर। जिस साल में आपने डिडक्शन लिए 35 AD की, उसके 8 साल तक आप बेच नहीं सकते उसे। क्यों? क्योंकि आपने पूरा खर्चा एक ही बार में क्लेम कर लिया, अब आप पता लगा बेच बाच के बिजनेस बंद कर गए। अगर जो इससे पैसा आएगा, अगले साल फिर एक नया बिजनेस खोलोगे, 14 बिजनेस है, तो अगले साल फिर एक बिजनेस खोलोगे, फिर 100% डेप्रिसिएशन लोगे, फिर 2 साल में बेच दोगे, तो तुम तो कभी जिंदगी में पैसे इनकम टैक्स की शक्ल ही नहीं दिखाओगे डिपार्टमेंट को, हमेशा लॉस क्लेम करके बिजनेस बंद करके भागते जाओगे एसेट बेच बेच के। तो आप इस एसेट को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसफर इंक्लूड सेल एक्सचेंज बार्टर, आप बेच नहीं सकते उस एसेट को, है ना, अगले 8 सालों तक। अगर ये SSC खतरों के खिलाड़ी से आया हो, तो रोहित शेट्टी के खतरों के खिलाड़ी से आया, 100 करोड़ की एसेट, WDV निल, या मान लीजिए रीजन था एसेट बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस बंद करके जाना है, वाइंड अप करना है, कोई भी रीजन था, इसने ये एसेट को बेच दिया, एसेट सोल्ड फॉर 70 लाख, तो क्या होगा? वो कैपिटल एसेट 70 लाख रुपए में बेच दी, अब क्या होगा? आठ साल से पहले, 8 साल के बाद तो कोई लेना नहीं है। कौन से हेड में कैसी इनकम होगी? सैलरी की, हाउस प्रॉपर्टी की, PGBP की, कैपिटल गेन की? चलो आओ विज्ञान करके सीखें, आपको सेक्शन 28 दोबारा दिखाऊं फिर मैं।
अगर ऐसी कोई एसेट डिमोलिश डिस्ट्रॉय या डिस्कार्ड करते हो या फिर ट्रांसफ़र करते हो, ट्रांसफ़र इंक्लूड सेल्स बार्टर एक्सचेंज, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में ट्रांसफ़र की डेफिनेशन दी है। अगर आप सेक्शन 35AD की कोई एसेट जिस पे आपने 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लिया था, अमोर्टाइजेशन ले लिया था, तो आपके पास ये जो इनकम आएगी कैसी इनकम आएगी, बिजनेस इनकम आएगी। सेक्शन 30 देखो, 100 करोड़ की मशीनरी थी, 100% डेफिसिट क्लेम करा, WDP नील हो गई, 5 साल के बाद रखने के बाद आपने 35 करोड़ में बेच दी, सोल्ड फॉर 35 करोड़ रुपीज़, तो क्या आएगा 35 करोड़ रुपये का क्या हो जाएगा आपको, बिजनेस की इनकम हो जाएगी, है ना, कैपिटल गेन नहीं आएगा, बिजनेस की इनकम आ जाएगी। तो 35AD में आपको बिजनेस की इनकम आएगी है, अगर आपने 8 साल से पहले बेच दी तो। क्लियर है? अगर 8 साल से पहले 100 वाली 70 लाख में बेची थी, अब ये मत पूछना कैसे बेची है ना। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए, ये वाली जो सेल है 110 में बेच दी, 1 करोड़ 10 लाख में बेच दी, अब 100 वाली एसेट 5 साल के अंदर अंदर 3 साल में 4 साल में आपने 110 में बेच दी, 1 करोड़ 10 लाख में, अब हाँ जी वो कह रहे हैं 100 करोड़ बिजनेस इनकम, 10 करोड़ कैपिटल गेन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे तुम साहब, बस है ना। टू द एक्सटेंट एक्सपेंसिज क्लेम्ड अंडर द हेड PGBP, जितना PGBP में खर्चा क्लेम करा उतनी PGBP की इनकम, 100 करोड़ रुपए का खर्चा क्लेम करा ना PGBP में, तो 100 करोड़ की इनकम PGBP की, जो 10 करोड़ रुपए आ गया, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन है, मैंने इसे ये नहीं बोला ये इंटेंजिबल एसेट है, डेप्रिसिएशन है ये, है ना, डेप्रिसिएशन, जब भी आप डेप्रिसिएबल एसेट को बेचते तो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, तो 10 करोड़ रुपए का क्या आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये 35AD के स्पेशल बिजनेस हैं, अगर आप इसमें कोई पैसा इन्वेस्ट करते हो, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लगाते हो अदर देन लैंड एंड गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उनके अलावा अगर कोई पैसे कैपिटल एसेट खरीदते हो तो उस पर आपको खर्चा मिलता है, 100% डेप्रिसिएशन आप अलाउड कर सकते हो, लेकिन उस मशीन को आगे 8 साल तक नहीं बेचोगे। अगर 8 साल से पहले बेच दिया तो आपके पास टू द एक्सटेंट एक्सपेंस क्लेम्ड इन द PGBP अंडर सेक्शन 35AD इनकम शैल बी ट्रीटेड एज PGBP इनकम, बियॉन्ड दैट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसके ऊपर वाला अमाउंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 35AD 35, 33 खत्म हो गए।